केतली थोड़ा सा छोटी हो रही है, यहाँ पे चूल्हा थोड़ा सा चौड़ा हो गया। और हमने जाना कहाँ है, घास लकड़ी के लिए हम जाते नहीं है, बारिश भी लग रही की। हाँ क्या बोलते हैं इसको, तो नाम ही भूल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। मैं करिश्मा देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल करिश्मा बेस्ट ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम को शाम की चाय के साथ, और जो मैं आज केतली पे बना रही हूँ। सनु कर रही है हाय। और ये केतली थोड़ा सा छोटी हो रही है, यहाँ पे चूल्हा थोड़ा सा चौड़ा हो गया, बट कोई नहीं। मेरा आज बहुत मन था कि मैं आज शाम को केतली पे चाय बनाऊँ, काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाऊँगी, बट आज टाइम लग ही गया और बारिश का मौसम भी हो रहा है दो तीन दिन से। आज की चाय इसमें बनेगी और पानी भी हम डिबले का यूज़ करते हैं, हमने दिन में ही इसको भरा है, साफ़ सुथरा है। तो चूल्हा गाँव का पानी वैसे भी फिल्टर की ज़रूरत पड़ती नहीं है, पता होगा आप सब लोगों को। थोड़ी सी पत्ती आप बोलो, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चीनी, और ये बोलो कि अदरक, अदरक है। हाँ अच्छा, अदरक छोटा सा अदरक का टुकड़ा। दोस्तों चाय बन गई है, हम लोग पी रहे हैं। मम्मी अभी है नहीं, मम्मी थोड़ा जा रहे थे किसी के साथ, तो और मिस्टर जी को मैंने दे दी है। क्या दे रही है मिस्टर जी? मिस्टर जी तो देखो चिड़िया कहाँ बैठी है, चूल्हे चूल्हे पे इसको कुछ मिला नहीं, आज एक गैस पे आके बैठ गई है। हाँ हाँ हाँ, क्या ढूंढ रही है? उड़ गई सनी, चिड़िया उड़ गई, उड़ गई चिड़िया। हाँ मेरा मन हो रहा था केतली में चाय बनाने का, और सुनो मम्मी क्या बोल रहे हैं। तुम्हारे विकेट खींची सी पुराने जमाना की, पुराने जमाना का रेंच सी नहीं की दिल पर चुलो डरी यार ता बड़े लकुल फू पावन लकुल बड़े एक दो डा दे जाओ आता मैं बड़े भैंसो दूध आता मुझे गाय चाय अब तो क्या सर दगना दिख गए सर सर पकाना सी ना सर दो ना सर गड़ना सी ना छड़े सारे के क्या। ताई जी लोगों ने ऐसे बहुत किया होगा ना, तो इसलिए शायद उनका मन वो रखा होगा, बट मेरा बहुत मन था पीने का, तो इसलिए मैंने आज इस पे बनाई चाय। तो उनके टाइम पे तो ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा जो उनका अब करने का मन भी नहीं करता होगा। तो दोस्तों अभी चाय पीते हैं, मतलब पिलाते हैं, हमने तो पी ली है। हाँ बच्चा गैस की भी बचत हो रही है और थोड़ा वीडियो भी बनी रही है, बाकी अपना एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। और हमने जाना कहाँ है, घास लकड़ी के लिए हम जाते नहीं है, बारिश भी लग रही की। हाँ आग भी सेक रहे हैं, ठंडा भी हो रखा, आग भी सेक रहे हैं, तो इतने सारे काम एक साथ हो रहे हैं तो क्या ही बुरा है नहीं, तो बने रहे आप व्लॉग में। दोस्तों हम लोग करने लगे हैं शाम की तैयारी, और आज शाम को थोड़ा सा कुछ स्पेशल बना रहे हैं भाभी। तो मैंने बोला भाभी को कि भाभी ने ऐसी मुंह से बोल दिया ना कि एक दिन वाले मैं ऐसा बनाऊंगी, तो मैंने कहा चलो आज हमें भी बना के खिलाओ। तो भाभी बना रहे हैं ये लौकी का हलवा, इसको भी भाभी अभी कद्दूकस करके इसको उबालेंगे, तो उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि और क्या करना है। फिलहाल कद्दूकस करके उबाल देंगे इसको, और मुझे अभी पहले वाला वीडियो अपलोड करना है, उसमें भी बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि ऐसे हो रहा ना मौसम, तो नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो थोड़ा लेट भी हो सकता है। तो पहले उसको अपलोड करती हूँ, उसके बाद जब तक ये चीज़ें होंगी तो उसके बाद आगे का व्लॉग बताऊंगी। देखो हमारा हलवा प्रोसेस में है, और भाभी ने इसमें भी इलायची और दूध डाला है, इसको पकाना है भाभी, दूध सुखाने तक पकाना है। जब तक दूध सूखेगा तब तक इसको पकाना है। जब इसको उबालने रखा ना तो इसमें पानी नहीं डाला बिल्कुल भी, क्योंकि लौकी में अपने आप ही पानी बहुत सारा होता है ना, तो सीधा एक दो सीटी मरवाई, उसके बाद डायरेक्ट हमने दूध में डाल दिया। सन्नू हमारे लिए शॉपिंग करने जा रही है, किसी के लिए चीजी लाएगी, किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए खिलौने, है ना? हाँ। है ना सन्नू? काटती हूँ मैं तुझे, इसलिए नहीं लाएगी मेरे चीज। अच्छा तो दोस्तों देखो ये पूरा ऐसे सूख गया है दूध के साथ, और अब भाभी इसमें डालने जा रही है घी, कच्चू बादाम। ये सन्नू की लैंग्वेज है कि ये कच्चू बादाम बन रहा है। क्या कर रही है सन्नू? कुछ भी नहीं है, आई नहीं बोल। तो इसको घी में भूनना है अब थोड़ी देर,
लगभग वैसे है जैसे गाजर का हलवा बनता है ना, उस टाइप से ही बन रहा है। दूध में पहले इसको पूरा सुखाया है, फिर थोड़ा घी में भून के इसको, बाद में आप जो भी मेवे वगैरह ड्राई फ्रूट जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। बस हलवा तैयार हो जाएगा। दोस्तों देखिए हलवा तैयार है और इसमें खुशबू बहुत मस्त वाली आ रही है, जैसे वो होता है ना मूंग दाल का हलवा होता है ना, उस टाइप की खुशबू आ रही है, बहुत सुंदर सी। तो अब मुझे बस इंतज़ार है इसको टेस्ट करने का। मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी आज लौकी का हलवा भाभी के हाथों का, तो देखते हैं ये कैसा हो रहा है। गाजर के हलवे जैसा हो रहा है और अच्छा हो रहा है, बहुत टेस्टी हो रहा है। क्या बोलते हैं इसको, तो नाम ही भूल गई खा के लौकी का हलवा मैं तो खा के नाम ही भूल गई दोस्तों, इतना अच्छा हो रहा है लौकी का हलवा। और बनता भी गाजर के हलवे जैसा ही है और वो भी वैसे ही रहा है हल्का हल्का। मिस्टर जी ने भी अभी यही बोला कि गाजर के हलवे जैसा और है। बाकी अगर आपको उसकी पूरी रेसिपी चाहिए होगी तो बताना कमेंट करके, तो पूरी रेसिपी बताएंगे। बाकी आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।